देख रहे हो ये गांव की औरतें, रिश्तेदार है हमारी, रिश्ते में ही हमारी फुआ लगती हैं, और बनमेठी बीन आई हमारे गांव में। अब आपको दिखाते हैं कि हमारे गांव में और हमारे गांव के जंगलों में इतना स्वादिष्ट क्या कहते हैं खाद्य पदार्थ जो इन दिनों में निकलते हैं उनको बनमेठी कहते हैं। और देख रहे हो इन्हें, अभी आपको देखेंगे, अगर हमें मिलेगी तो आपको बनमेठी दिखाएंगे हम, ठीक है? आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पे। ये देखो जुगाड़, ये गांव वालों का जुगाड़ हमारे, इसमें मछलियां आती हैं और यहाँ फंस जाती हैं, इसे कहते हैं सूपा। ये बांध बनाया गया मछली पकड़ने के लिए। जंगल के अंदर आ चुके हैं हम, आप देख सकते हो सब अपनी अपनी लाइन में जगह जगह से घूम रहे हैं, और ये सेफ्टी के लिए लेके आया हूं मैं। तो अब आपको दिखाने वाले हैं, अगर मिलती है तो रही किस्मत तो मिलेगी, नहीं तो क्या कर सकते हैं। वही बात है, खाने खाने पे लिखा है, दाने वाले का नाम नहीं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अरे जंगल में घूमते अच्छा तो लगता है, ये हैं देखो हमारे मास्टर जी साहब, इधर देखिए जरा आपको, ये भी बनमेठी के नाम से इतने मोहित हो गए हैं कि हमें बनमेठी खानी है। कितने रुपए किलो मिलती है? 800 रुपए के जी, देख सकते हो आप इन्हें, ये है। मिल गई रे अभी, और बनमेठी लवरों से मिलाते हैं आपको, बनमेठी मिल गई है तो हम जा रहे हैं जल्दी जल्दी बनमेठी लेने। अरे देखते हैं, ये है खोज करता, किधर है बनमेठी? अरे देखो देखो ये देखो, अरे ये देखो इतनी चूड़ी लगा रहे हैं। हेलो दोस्तों, अगर जंगल में आना हो तो एक अच्छे इंसान के साथ आए जो जंगल पूरा घूम रखा हो, है? पर ऐसे आओगे तो ऐसे ही भटकते रहोगे, देखो कहाँ वो वहाँ भटक रहे हैं, ये वहाँ भटक रहे हैं, ये यहाँ भटक रहे हैं। आपको अच्छी जगह ले जाएंगे तो जहाँ बनमेठी मिलती है, अब बनमेठी है ही नहीं, और बनमेठी को तालस भी कहते हैं। ये जहरीले तालस, ये वो धरती का फूल, दिखने का बिल्कुल मशरूम की तरह होता है लेकिन होता है धरती का फूल, यानी जहरीला पदार्थ। सिर्फ जानने वाले ही बता सकते हैं कौन सा जहरीला है कौन सा नहीं। तो ये है धरती का फूल, मशरूम जैसे दिखने वाला, मशरूम नहीं कहेंगे इनसे। हालत हो गई कितनी खराब, देख सकते हो कितना घना जंगल में ऐसे भटक रहे हैं और कुछ मिला ही नहीं है अभी तक। अरे कहाँ गए रे तुम यार, हमको छोड़ के मत चले जाइयो कहीं। बहुत मच्छर काट रहे हैं यार यहाँ पर, जंगल कोई घूमने की चीज है? आज इतने दिनों बाद सालों बाद जंगलों की सैर किए जा रहे हैं, कसम से डर लग रहा है हमें, और डर लग रहा है कि क्या कहें कि जंगल में बहुत झाड़ियां और बहुत सारे पेड़ पौधे घने घने, कुछ भी हो सकता है।
और हमारी सेना से मिलना चाहोगे तो दिखाते हैं आपको अपनी सेना। और ये आगे जा रहे हैं, ये देखो, गौर से देखिए इन शख्स को। घर पे बना है चिकन, फिर भी तलाश बनमेठी की जारी। कहते सबर का फल मीठा होता है, क्यों? लेकिन साले को ना मीठा पानी तक नहीं मिला अभी तक हमें। रही बात फल की, तो घंटों घूम रहे हैं हम यहाँ पर और घंटा भी कुछ नहीं, घंटी भी नहीं मिली हमें अभी तक। रही बात बनमेठी की, और ये हमारे गाइड साहब हैं, ये हमें जंगल घुमा रहे हैं। जरा देखना इधर, ओ माय गॉड, ओए होए, यही है हमारे महाशय। अगर आपको जंगल घूमना हो तो प्लीज इनसे कांटेक्ट करें। ये हमारे जीजू हैं और यहाँ पर जोक लग रही हैं और जोक से हमें बहुत डर लगता है, तभी हम पीछे पीछे चल रहे हैं। किसकी पीठ में लग गई? सच में कद्दू दिखाओ, बना है, दिखाओ। अभी तुम्हें दिखाते हैं जोक कैसी होती है। ये है जोक, ये लग जाती है यहाँ पर। हालत बहुत खराब हुई है यार। ये देखो, ये हमारी गैंग, हमारे सबसे आगे चल रहे हैं वो गाइड हैं हमारी, वो ही लेके आए हमें यहाँ पर। अरे हो गया रे, कोई जोक वोक नहीं है, अब सेफ जोन में आ गए हम। देख रहे हो, ये हालत खराब हो गई हमारी। ये है ये लाने वाले, ये ऐसे 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 काटूंगा ऐसे करके। एक दो तीन चार पाँच छह, छह जने हैं हम, छह में से आधी भी नहीं मिली यार। अरे दर्शन तक नहीं हुए हमें बनमेठी के। ये देख रहा है ये भाई, कितनी बनमेठी मिल रही है। झोला लेके आने वाले थे, पता है मैं तो कह रहा था कट्टा भी रखो, कट्टा भर जाओ, मैंने कहा जेबी भर जाए भाई, बहुत है ये वाली जेबी, छोटी वाली है। तो लालच बुरी बला होती है, देख रहे हो। आपको हाथी का गूटा दिखाते हैं। किधर गया हाथी का गूटा? टूट गया यार हाथी का गूटा भी। ये बनमेठी की तरह होता है बिल्कुल सेम। हाथी का गूटा, इनका कहना है कि इसको ही कहते हैं हाथी का गूटा। हाथी का गूटा, थक गए हैं यार कसम से, घूम घूम के जंगल में। चारों तरफ का नजारा एक ही जैसा है साले को, क्या किया जाए। कृपया जंगल में आए तो एक को जानने वाले को जरूर लेके आए, क्योंकि मत कट जाती है यहाँ पर। मत कट जाती तो भटक जाती है कि कहाँ जाए कहाँ, क्योंकि जंगल चारों तरफ एक ही जैसा नजारा, जानने वाले ही पहचान सकते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, वरना फिर भटक जाएंगे तो फिर मत कट जाएगी। यहाँ पर बदबू आ रही है थोड़ी बहुत, डर का अभाव सा लग रहा है, बट कुछ कह नहीं सकते। हमको खजाना मिल गया बनमेठियों का, एक ये है बनमेठी इसे भी कहेंगे, और ये भी बनमेठी है, और यहाँ पर पूरे जगह पे बनमेठियां खराब हो गई हैं। चलो कोई नहीं, हमें एक साथ खजाना तो मिला लेकिन बहुत बुरी हालत में मिला है, हमारी किस्मत पे शायद नहीं है। बहुत सारी बनमेठियां हमने मिस कर दिया, अगर हम दो दिन पहले आते तो यहाँ पर बहुत सारा खजाना था बनमेठी का। और आप देख सकते हैं मशरूम की तरह ही होती हैं बनमेठियां। अब आपको दिखा सकते हैं, ये देखो कितनी सारी बनमेठियां लगी हैं यहाँ पर। ये देखो इनसे कहते हैं बनमेठी, और ये देखो ये कैसी हो गई हैं, सड़ गई हैं बिल्कुल, ये खराब हो गई हैं। कुछ कुछ अच्छी हैं, हम वो तोड़ लेंगे, और वैसे ये खराब हो गई हैं, यानी कि किस्मत इतनी खराब भी नहीं है। ये देखो इनकी मेहनत रंग लाई, कम से कम ये अच्छी कहते हैं बनी, कोई नहीं, ये छुप रही है हमसे। इनका नाम है शर्मा,
क्योंकि ये लगाती रहती है काजल का भी नाम जो आंखों में काजल लगता है ना उससे कहते हैं शर्मा। क्यों कजरा मोहब्बत वाला आंखों में ऐसा डाला। ये देखो ये इनकी एक बोली है तकिया कलाम है, ये कहती है करे जो करे जो। मैं तो क्या बताऊं क्या क्या तकिया कलाम होते हैं इन लोगों। ये देखो कितनी खुश है कहती इसका नाम क्या मैं बोल दिया था तुमसे दांत ही नहीं चपक रहे इसके। अब ये और एक हमारे हीरो भाई ये देख रहे हो ये सलमान खान बनने गए थे ये फिल्मों में वो तो क्या कहें बस छूट गई इसलिए सलमान खान चले गए इनकी जगह। आज ना तो वहाँ पर कौन होता ये हमारे जीजू होते वहाँ पर। ये देखो गौर से देखिए इन्हें ये देखो ये लग रहे ना सलमान खान जैसे क्या कहे यार अब बताओ। वो बिसोल्टा से बिलोंग करती है वहीं से आई है और उनका बहुत मन कर रहा है बनमीठी खाने का। वो जाने का नाम ले रही है कि अभी तक एक ही मिली है जब तक मेरे पास 10 नहीं होंगी तब तक मैं जाऊंगी नहीं अपनी सब्जी लेके ही जाऊंगी ऐसे कहना चाह रहा हूँ। उनका विचार यही चल रहा है उनके मन में। हम और हमको तो मच्छरों ने काट काट के हमारी हालत खराब कर दी है लेकिन क्या करें बुआ जी का मन है तो रखना पड़ेगा ही। और आपको हम अपनी बुआ जी से मिलाने वाले हैं जिनका कतई हौसला बुलंदियों से भी ऊंचाइयों पे अरे कतई क्या कह दें जो बुर्ज खलीफा है ना उससे भी ऊंचा है उनका। देखो ये देखो किधर मिली तुम्हें बनमेटी किधर दिखाओ जरा। ये देखो ये बनमेटी मिली इनको एक मिली है 10 पे तो दुनिया कायम है यानी ये कहते हैं उम्मीद पे तो दुनिया कायम है तो हम भी कायम रहते हैं इनका ये विचार है कहना। ये देखो इतने शर्मा ना ये हमारे सी आई डी ओ है सी आई डी ओ है हमारे। ये देखो देखो नक्शे इसके जब जंगल में जंगल में क्राइम होता है ना तो इनसे मिलती है पुलिस कि चलो ये उन्हें आहट एक छोटी सी भी आहट अगर जंगल में कुछ हुआ हो ना इन्हें पता चल जाएगा जैसे पत्ता इधर है और पत्ते को इधर कर दूंगा ना तो ये बता देंगे कि ये कल पत्ता इधर था। ठीक है इतने शातिर दिमाग के हैं ये तुम्हें पता नहीं है देख सकते हो ये गमछा वाले ये तुमने वो मिर्जापुर वाली मूवी देखी नहीं देखी है हाँ समझ जाओगे। देख रहे हो कॉन्टेक्ट करना बिल्कुल घर पे आ जाइयो। हाँ घर पे आ जाइयो यहाँ से अगर हम गुजरेंगे नहीं ना तो ये 10 दिन पहले आए बता देंगे कब गुजरे थे कितने बजे का निशान है सब कुछ टोटली सी आई डी तो देखते होगे यार आप। अब क्या कहें मुझसे संपर्क करने के लिए इनसे बात करना है मोबाइल नंबर है 420। हाँ देख रहे हो सब कुछ पता ही नहीं बताया नहीं मैंने फिर भी बता रहे हैं ये। देख रहे हो सबके चेहरे पे उदासी छाई है वैसे यहाँ पर लेकिन एक का आत्मविश्वास कभी कम नहीं हुआ है। वो देखो लास्ट में घूम रही है हमारी बुआ जी वो चाहती है कि जाते जाते मिल जाए वही बात है क्या क्या कहते हैं शहर में छोरा बगल नहीं बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा क्या आप बगल में ही मिल जाए हमें हम शहर घूमा है पूरा यानी जंगल घूमा है। कोई ना बाय बाय नेक्स्ट एपिसोड आपको मिलेगा कौन सा जंगल है तुम्हारा नौ अमरनाथ के जंगलों में हम फिर से बनमीठी की तलाश करेंगे तो कृपया हमारा चैनल देखते रहिए और पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए यार क्या ज्यादा है फ्री में ही तो है सब कुछ कौन सा तुम्हारा उंगली से क्लिक करना है बस तो ठीक है फिर बाय बाय। ये देखो हमारी टीम निराशा के साथ वापस लौटती हुई कतई देखो इनके चेहरे पे उदासी छाई है। देख रहे हो ये हमारी टीम पूरी अमाओं के जंगलों में कृपया आइए इस मैदान पे बाय बाय चिल्लाओ दो पागल बाय बाय। जी बहुत सारे अरे और ढूंढी किसने मैंने आके अरे जी है ना इतनी है अच्छा हमको बनमीठी मिल चुकी है ये देखो इनसे कहते हैं बनमीठियां ये है बनमीठी और धुआं हो रही ये इतने बहुत सी है तो तोड़ दे ये देखो बहुत मिल गया हमें खजाना ज्यादा वही बात हो गई सर।
मन खुश कर दे तुम्हारा। और मेरी दिखा देंगे देख। अबे ना शाले तो खा जीरे के साथ। मेरे पास कई तुम मत जाए जब आवाज करते हो इधर सामने सामने वो अपने इधर छिले को किनारे। ये देखो। जैसे कहते हैं। हाँ। ये यार हालत खराब हुई है। इतने दिन बाद सबर का फल मीठा ही मिला। क्यों? यहाँ पर बन मीठी निकली है पूरे खोदना पड़ेगा इस पेड़ के नीचे। बहुत सारी बन मीठियाँ हैं यहाँ पर। ये बहुत लंबी निकलती है। ये भी फूले नहीं गाना ऊपर अभी तो बहुत ज्यादा है। अभी खोदा नहीं है।